हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए और हम सबको इकट्ठा किया। तो आइए हम लोग वचनों की ओर और आज के डिवोशन की तरफ चलते हैं। और पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 12 से लेके हम 19 पंक्ति तक पढ़ेंगे, पर उसके पहले 11वीं पंक्ति पे ज़रा सा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यदि कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमेन। तो 12 पंक्ति से आज का डिवोशन के है, प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ कर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों को सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिवोशन है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा विश्वास जो है वो परखा जाता है। और हर एक मसीह के जीवन में वो समय आता है, वो घड़ियाँ आती हैं जहाँ पे हमारे विश्वास का परखना होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसे परखने के समय को हमारे जीवन में लेके आते हैं, जिसके द्वारा हमारे विश्वास को मजबूती मिलती है और हम खरे विश्वास में बढ़ सकते हैं। विश्वास करना एक बहुत ही कह सकते हैं कि दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि चीज़ें जब सही चल रही होती है, जीवन में सब कुछ स्थिर रहता है, तब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। पर अगर चीज़ें स्थिर नहीं चल रही है, अगर हमारे साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा हमारे साथ होना चाहिए, या जिस चीज़ों को हम पहले से सोच लेते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही करेंगे, कई बार हम 29:11 यिर्मयाह का पढ़ के कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए हमेशा अच्छी योजना अच्छी बातें रखते हैं, और जब तूफान आता है या जब जीवन में कठिनाई आती है तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर की योजना तो मेरे लिए अच्छी थी, तो ये चीज़ें क्यों हुई। और यही आपके विश्वास का परखा जाना, यहाँ पर परमेश्वर आपको जांचते हैं कि कैसा आपका विश्वास है उनके ऊपर। और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए इन बातों के लिए, इन चीज़ों के लिए, कि वो हमारे विश्वास को जो है परखने में लेके आते हैं। और यहाँ पे पत्रस हमसे कह रहे हैं कि जब तुम इन बातों में पढ़ो, जब तुम्हारा विश्वास को परखा जाएगा, तो वो कहते हैं कि 14 पंक्ति में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ये अच्छी बात है, और यही बात हम याकूब की किताब में भी देखते हैं 1 अध्याय में। अगर किसी का अगर किसी पासबान के बारे में अगर या किसी किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर मैं कहूँ कि जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि मे बी जिनके अंडर में हमें आना चाहिए, वो है याकूब। क्योंकि उनकी पत्री जब आप पढ़ते हो तो आपको कई सी चीज़ें आईने की तरह साफ दिखाई दी जाती है कि आप क्या कर रहे हो आपके जीवन में। और कठिन लगता है, ऐसा लगता है वो बहुत कठोर है, वो बहुत लाइक यू नो स्ट्रिक्ट है अपने सिखाने में और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बातें कर रहे हैं। बट याकूब की गवाही ये है कि वो यीशु मसीह के भाई तो है, और दूसरी बात कि वो जो है वो प्रार्थना करते थे, उनके अंदर जो सामर्थ्य था और जिन सामर्थ्य से जिस पवित्र आत्मा की अगुवाई से उन्होंने वो बातें लिखी वो केवल वहाँ से आई है कि वो जो प्रार्थना का जीवन और उनका जो लोगों के लिए हृदय था उसके लिए उन्होंने ये बातें लिखी और उनको सिखाने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए लिखी। तो वो भी अपने 1 अध्याय में याकूब की किताब में लिखते हैं कि तुम नाना प्रकार की जब परेशानियों में पढ़ते हो तो उसे आनंद की बात समझना। और आज की सुबह मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि कठिन समय में जब तुम तूफान में हो यीशु मसीह के साथ नाव में, तब विश्वास रखना सीखो। चेलों का भी विश्वास डगमगा गया था, पर तुम्हारा विश्वास जो है बातें लिखी गई है बाइबल में ताकि हम उनसे सीखें, और हम ये सीखना चाहते हैं कि हम बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर में। तो पंक्तियों को पूरा करते हुए कि 15 पंक्ति में वो लिखते हैं कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्या या चोर या कुकर्मी होने
या पराए काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं मानते। और ये सोचो कि अगर हमारी ओर से, मसीह लोगों की ओर से अगर परमेश्वर हमसे शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों को परखना, तो सोचो उन लोगों का अंत क्या होगा जो बाहर है और जो सुसमाचार को नहीं स्वीकारते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी क्या ठिकाना है, मतलब उनकी क्या जगह होगी। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हैं, वे अपने अपने प्राण के विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। और ये जान लो कि परमेश्वर जो है वो तुम्हारे प्राणों का रखवाला है और तुमने अपने आप को उसके हाथों में सौंपा हुआ है। तो धन्यवाद हो आपके समय के लिए, और परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे। आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर से यही मांगना कि आपके विश्वास को जो है बढ़ोतरी मिलती रहे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु धन्यवाद पिता आज के इस डिवोशन के लिए, आज के इस समय के लिए। और प्रभु अगर हम कठिन समय से ऐसी जगहों पर गुजर रहे हैं कि जहाँ पर लोग में भी हमारी निंदा कर रहे हैं, हमें बुरा भला कह रहे हैं, परिवार के हो, आसपास के लोग हो, कामकाज पे हो परमेश्वर, क्योंकि हमारे विश्वास की वजह से हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, तो प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि हमारे विश्वास को डगमगाने मत देना, आपके ऊपर और मजबूत करना, और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आप मदद और सहायता करना, उनका आज का दिन अच्छा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।